बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ले जी, पंजाब यूनिवर्सिटी मैं 2 दिन पहले अभी होके आया हूँ। वहाँ पे स्टाफ से मिल के आया हूँ और ये जो बहुत सारी कन्फ्यूजन थी स्टूडेंट्स को उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम इकोनॉमिक्स का पेपर लेके कि मास्टर्स इकोनॉमिक्स में अगर करना है उर्दू मीडियम करें या इंग्लिश मीडियम करें। बाद क्वेश्चन पेपर में सिर्फ इंग्लिश मीडियम वो आपको उन्होंने दिए हुए हैं क्वेश्चन, उर्दू में नहीं दिए हुए ऊपर, लेकिन वो मेंशन कर देते हैं कि आप अटेम्प्ट उर्दू में भी कर सकते हैं। और बाद अवकात वो मेंशन नहीं करते कि आप उर्दू में अटेम्प्ट करें, लेकिन फिर भी आप उर्दू में अटेम्प्ट कर ले तो वो कंसीडर कर लेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो मैं वहां पे ये चीज क्लियर करके आया हूँ। उन्होंने मुझे ये कहा है कि आप उर्दू में भी अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी च्वाइस है, इसमें कोई हमारी तरफ से पाबंदी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम देंगे। ये मैं डाउट उनसे क्लियर करके आया हूँ और ये आप बेफिक्र हो जाए। जो लोग कह रहे थे कि उर्दू में नहीं करना सिर्फ इंग्लिश में करना है, तो वो आपके पास च्वाइस है। जिसको उर्दू में सहूलत है वो उर्दू में कर सकता है, इंग्लिश में जिसको सहूलत है वो इंग्लिश में कर सकता है। दूसरी ये बात कि जिसने इंग्लिश मीडियम का अप्लाई किया है, अब वो ये कंफ्यूज है कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स और मेजर इशू ये उर्दू में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो भाईजान आप बिल्कुल कर सकते हैं। 4 पेपर इंग्लिश में कर लें, इस्लामिक और मेजर ये बेशक उर्दू में कर लें, इसमें कोई ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है। और जो लोग उर्दू में है वो कोई एक आधा बीच में इंग्लिश में कर भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बस उर्दू मीडियम वाले मैथ और स्टैट ये तो होते इंग्लिश में, ये इंग्लिश में अटेम्प्ट करेंगे, तो बाकी 4 उर्दू में कर लें, ये 2 इंग्लिश में कर लें, कोई इशू नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये मसला आपको समझ में लग गया होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैनू इकोनॉमिक्स क्वार्टर ना प्यार है, तुसी भी प्यार करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो ते कमेंट करो।